गस दूध से और घर के ही सामानों से मैंने कैसे टेस्टी मिठाई बनाई है आज आपको पूरी रेसिपी मैं बताने वाली हूँ जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं वो भी बिना मिलावट के तो एक गिलास मैंने दूध लिया है और मोटे तले की कढ़ाई लिया और सभी दूधों को डाल दिया ये देखिये एक गिलास दूध थे मोटा पतला जो भी है आप आराम से ले सकते हैं और सभी दूध को अच्छी तरह से डाल देना है अगर ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप मात्रा इसकी बढ़ा भी सकते हैं और अगर कम मात्रा में बना रहे हैं तो ये मात्रा बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगी उसके बाद आपको लेने हैं सबा के चावल ये देखिये सबा के चावल नहीं है तो आप ये देखिए सिंपल वाले जो अरवा चावल होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इससे क्या हो जाएगा जो रेसिपी बनाएंगे ना मिठाई की बिल्कुल ही दानेदार बनेगी तो आपको लेने समा के चावल तो मैंने दो कटोरी छोटे कटोरी का इस्तेमाल करके समा के चावल ले लिए हैं और अच्छी तरह से धो के साफ करके इसे आपको डाल देना है दूध में ये देखिए अच्छी तरह से दो पानी से मैंने धो लिए हैं और समा के चावल को डाल दिया नहीं है तो आप अरवा चावल को हल्का सा मिक्सर में दर दरा सा पीस लीजिएगा उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो रेसिपी है बहुत ही जल्दी बने अगर डायरेक्ट करना है जो भी नाप मैंने इस कटोरी का ही ढक देना, देना है ताकि ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए समा चावल लेंगे तो एक फ़ायदा होगा कि आप क्या हो जाएंगे सात से आठ मिनट में ही रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी और अगर अरवा चावल लेंगे तो टाइम से पंद्रह मिनट लग सकते हैं और ये देखिए अच्छी तरह से आपको लगातार चलाते रहना है इसमें पीसने वगैरह की कुछ भी पड़ती है और आप इसे व्रत त्यौहार में भी खा सकते हैं तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने सामा चावल को मिक्स कर दिया है लगातार आपको चलाते चलाते जितने एक्स्ट्रा दूध है बिल्कुल ही आपको सुखा लेने पड़ेंगे तो ये देखिए सभी अच्छी तरह से मैंने जितने भी एक्स्ट्रा दूध थे सभी को आपको लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से सुखा लेने हैं और इस तरह की रेसिपी मैंने और भी मिठाई की रेसिपी डाल रखी है नाश्ते की रेसिपी और अगर आपकी भी सब्जी टेस्टी नहीं बनती है तो उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल में मिल जाएगी तो ये देखिए अच्छी तरह से मेरे अच्छी तरह से मैंने सुखा लिए हैं जितने भी एक्स्ट्रा दूध थे अब क्या करना है आपको थोड़ी देर इसे कवर कर देना ताकि बिल्कुल भी कचापन फ्लेवर नहीं नहीं रहे और तब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने कवर करके छोड़ दिया था उसके बाद अब मैं इसे निकाल के दिखाने वाली हूँ और ये देखिए उसके बाद आपको लेना है गर्म पानी और वही कटोरी का, का इस्तेमाल करके आपको लेने पड़ेंगे मिल्क पाउडर तो जितना आपने समक चावल लिए हैं उतना आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं इससे क्या हो जाएगा जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनती है और घर में इसे आप आराम से दुकान वाले मिठाई का टेस्ट भी ला सकते हैं तो ये देखिए मैंने मिल्क पाउडर दो कटोरी के करीब मिला दिया है और वही कटोरी का इस्तेमाल करके आप अगर आप चाहते तो डालना चाहते हैं तो नारियल के बुरादे डाल सकते हैं बिल्कुल ही ऑप्शन है नहीं डालना चाहते तो इसके बिना भी बना सकते हैं और वही कटोरी का इस्तेमाल करके मैंने डाल दिया है डेढ़ कटोरी चीनी अगर नारियल के बुरादे आप कम ले रहे हैं तो या नहीं ले रहे हैं तो आप एक कटोरी चीनी में ही आपकी ये रेसिपी बन तैयार हो जाएगी और अगर नारियल के बुरादे डाल रहे हैं तो डेढ़ कटोरी चीनी आपकी परफेक्ट रहेगी और ये देखिए बेटर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और अच्छी तरह से पक्के सेट भी हो चुका है अभी से ही खोए जैसा टेक्सचर लग रहा है उसके बाद क्या करना है? ये दूध लेना है और दूध को इसी में डाल देना है और फिर क्या करना है आपको फिर से गैस के स्टोव में इस रेसिपी को चढ़ानी पड़ेगी तो लीजिए फिर से मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और गैस के स्टोव में अब मैं चढ़ाने वाली हूँ तो इसे चढ़ा के क्या करना है जितने भी एक्स्ट्रा पानी है हल्के से आपको सुखा लेने पड़ेंगे ताकि ये जो रेसिपी है आराम से पंद्रह दिन आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सके बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है आप चाहे तो इसे दिवाली पर या कभी भी आपको मीठा खाने का मन होना तो ये रेसिपी आराम से परफेक्टली नाप के साथ बना सकते हैं तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है उसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए आपको डाल देने पड़ेगी आधा चम्मच के करीब घी जी हाँ दोस्तों घी डालेंगे ना तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा सा आता है और मिठाई बिल्कुल ही शाइनिंग बढ़ जाती है तो ये देखिए सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैंने थोड़ा सा इसमें घी भी अच्छी तरह से मैं डालने वाली हूँ और क्या करना है लगातार आपको चला चला के जितनी भी एक्स्ट्रा फिर से पानी है ना पानी को आपको सुखा लेने पड़ेंगे चावल डाले हैं बहुत ही जल्दी सूख जाएगी कोई भी हड़बड़ाने की बात नहीं है तो लीजिए बातों बातों में मैंने घी को भी ऐड कर दिया है और बिल्कुल ही अभी से आप इसका टेक्स्चर देख रहे हैं बहुत ही जबरदस्त वाली रेसिपी बनती है अगर कभी भी इस तरह से आप रेसिपी नहीं बनाए हैं तो चावल से आप इसे क्या नाम देना सकेंगे चावल के कलाकंद भी कह सकते हैं या फिर बहुत ही आप कुछ अलग सा नाम भी दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी वाली मिठाई है जिसे आप ताजा ताजा, ताजा गर्मा गर्म या फिर ठंडा होने के बाद इसे सर्व करें बहुत ही टेस्टी लगती है तो देखिए सभी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है जितने भी अच्छी तरह से जितने भी एक्स्ट्रा पानी है सभी को आपको सुखा लेने पड़ेंगे एक बात का आपको ध्यान रखना बिल्कुल ही मिश्रण डो के रूप में आ जाना चाहिए हल्के से तो ये देखिए अच्छी तरह से आपको लगातार चलाते रहना है हाँ इस रेसिपी में ये बात है कि आपको मोटे तले के बर्तन लेने हैं और अच्छी तरह से आपको चलाते रहने ये आपको करते रहना ताकि ये बिल्कुल भी ना बैठे और बिल्कुल ही टेस्टी बन के ये रेसिपी तैयार हो जाए थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया ये देखिए टिफिन वाले बॉक्स में मैं जमा रही हूँ आप चाहे जैसे थाली में भी जमा सकते हैं थाली में जमाएंगे तो थोड़े से और अच्छी तरह से आपको सुखाने पड़ेंगे और टिफिन बॉक्स में जमाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली सेब बनता है तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है सेट कर दिया है और दो से तीन घंटे इसे आप फ्रीजर में छोड़ दीजिए अच्छी तरह से थोड़े से हार्ड हो जाने चाहिए उसके बाद आपको आप चाहे तो नारियल के बुराते भी डाल सकते हैं या फिर कटे हुए काजू पिस्ता बादाम जो भी है आप डाल सकते हैं और कुछ भी नहीं है तो नारियल जो गुलाब के पंखुड़ी होते हैं ना उससे भी आप इसे सजा सकते हैं उसके बाद अपने मन हिसाब से आप इसे अच्छी तरह से कटिंग कर सकते हैं ये देखिए मैं अच्छी तरह से चार चारकोन शेप में इसे काट रही हूँ आप चाहे तो इसे बर्फ़ी के शेप में भी काट सकते हैं आपकी मर्जी है बिल्कुल ही मुलायम सा और टेस्टी सा किसी को पता भी नहीं चलेंगे कि आपने इसमें चावल का इस्तेमाल किया है इतनी ये टेस्टी बनती है तो चलिए आज की रेसिपी यही ख़त्म करते हैं तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी ये हमें आप ज़रूर बताइएगा तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाय बाय इस दिवाली मार्केट से अगर आप भी मिलावटी मिठाई नहीं खाना चाहते हैं ना तो इसे घर में आप बना सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से और बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी भी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को तो सबसे पहले आपको मोटे तले के बर्तन लेने हैं जिसे मैंने कढ़ाई को लिया है और एक कटोरी को सेट किया है एक कटोरी मैंने डाल दिए हैं देसी घी जी हाँ दोस्तों रानी का आप तो तेल में भी बना सकते हैं लेकिन देसी घी में बनाएंगे ना तो स्वाद इसका चार गुना हो जाने वाला है तो एक कटोरी मैंने लिए है घी और एक कटोरी वही कटोरी से सूजी और एक कटोरी बेसन कोई भी बेसन हो सकता है कोई भी सूजी हो सकती है और तीनों चीजों को लगातार आपको चला चला के अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा ये देखिए सबसे पहले घी में अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है गैस की फ्लेम मैंने अभी थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पर रखी है और अच्छी तरह से इसे आपको लगातार चलाते रहना है चला चला के इसे अच्छी तरह से बिल्कुल ही अच्छी

आपको ले लेने पड़ेंगे पानी और एक कटोरी ले लेने पड़ेंगे चीनी ये देखिए मैंने पीसी वाली चीनी ली है इसीलिए एक कटोरी का इस्तेमाल किया है अगर आप बिना पीसे ले रहे हैं तो आप आधा कटोरी ले और थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें फूड कलर फूड कलर डालेंगे तो इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है और आधा कटोरी के करीब मैंने ले लिए हैं ये देखिए हल्के से गरम दूध लेना है और उसमें आपको तीन चम्मच डाल देने हैं मिल्क पाउडर के जितना आपने सूजी लिया है बेसन लिया है घी लिया है उसी के मात्रा में आपको पाउडर दूध को डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इससे क्या हो जाएगा इसमें खोआ का भी जो पूरा टेस्ट होता है ना वो भी आने वाला है इस मिठाई में तो मैंने उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखिए मैं लगातार इसे चला चला के अच्छी तरह से भून रही हूँ और जैसे आप भूनेंगे ना पूरे महक तो आपको फैलेंगे ही और ये थोड़ा सा गोल्डन भी हो जाएगा तो ये देखिए अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं हल्के से आप देख रहे हैं और हाँ इस तरह की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप जुड़े रहिएगा बहुत टेस्टी टेस्टी मैंने रेसिपी अपलोड की है तो ये देखिए अच्छी तरह से मेरी चाशनी भी बन चुकी है चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना अच्छी तरह से चीनी को बस पिघला लेने हैं चाशनी वगैरह

लगातार आपको चला चला के इसे सेट कर लेना पड़ेगा गैस की फ्लेम यही बीच बिल्कुल ही लो रखनी है अभी पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है इसे अच्छी तरह से सबसे पहले मिक्स करना है और जो सूजी के दाने हैं ना अच्छी तरह से फूल जाएंगे अच्छी तरह से ये सेट हो जाएंगे तो लगातार आपको चलाते रहना है और घी के कारण ये देखिए बहुत ही अच्छी सी महक आ रही है और एक भी हमारी कढ़ाई में नहीं लगने वाली है तो लगातार आपको चला चला के इसे सेट कर लेना ये देखिए जैसे जैसे मैं चला रही हूँ बस इसी तरह चलाना है और हाँ जब भी एक इस तरह की कोई रेसिपी बनाते हैं ना तो कढ़ाई थोड़ी सी मोटी लिया कीजिए मोटी कढ़ाई लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत होगी ना जलने का डर रहेगा तो ये देखिए लगातार चला चला के जितने भी एक्स्ट्रा दूध थे सभी सूख चुके हैं और ये इसका देख सकते हैं आप कैसा हो चुका है बिल्कुल ही अच्छे से सिमटता जा रहा है तो इसी तरह के मीठे और नाश्ते के अगर आप और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये रेसिपी अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए तो ये देखिए अच्छी तरह से सूख चुके हैं अब क्या करने वाली हूँ मैं चलिए अब मैं इसकी जानकारी देने वाली हूँ तो जो सूजी है अच्छी तरह से पके नहीं है फूले नहीं है तो आपको क्या करना वही कटोरी का इस्तेमाल करना है और एक कटोरी मैंने पानी डाल दी है और ये देखिए पानी डालने के बाद क्या करना है गैस की फ्लेम लो कर देनी है ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और सेट हो जाए और ये जो मिठाई की क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ के तैयार हो जाए तो ये के अच्छी तरह से मैंने पानी डाल दिया एक कटोरी ही पानी लेना है जितने मैंने नाप लिए है ना बस वही हिसाब से लेना है और लगातार कर सकते हैं ठंडा होने देना है उसके बाद आपको लेने है एक बड़े सेच की थाली ये देखिए जैसे मैंने लिए साइड के जो कॉर्नर है वो थोड़े से उठे होने चाहिए और थोड़ा सा उसमें आपको घी लगा लेना है घी लगाने के बाद सभी को अच्छी तरह से निकाल देना है आप चाहे तो इसे आप अच्छी तरह से जैसे आप इसे सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं तो इसे मैंने बनाया है बिल्कुल ही डिफरेंट शेप में जो बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी दिखती है तो यह देखिए सभी को पहले सबसे पहले निकाल लेना है और ये देखिए एक भी हमारी कढ़ाई गंदी नहीं हुई है एक भी नहीं चिपके हैं आप देख सकते हैं अब क्या करना है इसे अब मैंने रह लिया है उसके बाद चम्मच से ही इसे अच्छी तरह से सेट करना है ये देखिए गर्मा गर्म है आराम से हो जाएंगे ठंडा होंगे तो थोड़े से दिक्कत होंगे तो गर्मा गर्म ही इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है मोटा पतला अगर आप थोड़े से पतला करना चाहते हैं तो आपको बड़े साइज की थाली लेनी है और थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं हैं, तो थोड़ी छोटे साइज की शादी लेनी है या फिर चारकोन पीस में बनाना चाहते हैं या फिर आप बर्फी के स्टाइल में इसे बनाना चाहते हैं तो आपको चारकोन साइड में भी इसे आप बना सकते हैं तो अच्छी तरह सब से सबसे पहले इसे ये देखिए जैसे मैं चिकना कर रही हूं ना बस इसी तरह आपको चिकना करके सेट कर लेना है तो ये देखिए चिकना अच्छी तरह से हो चुका है अब क्या करने वाले हैं इसमें अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आराम से डाल सकते हैं जैसे मैंने बादाम को लंबे लंबे आकार में कट कर लिया है आप चाहे तो इसमें पिस्ता नारियल जो भी आप चाहते हैं आराम से इसके ऊपर लगा सकते हैं काजू अगर भी चाहे तो लगा सकते हैं फिर क्या करना हल्का सा आपको प्रेस कर देना है ये चम्मच लेने हैं और चम्मच से हल्का हल्का आपको दबा देना है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें ही सेट हो जाए उसके बाद अगर आपको जल्दी है तो इसे आपको फ्रीजर में रखना पड़ेगा एक घंटे के लिए और अगर आपको थोड़े से लेट से आप खाना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मल इसी तरह आप जिसमें बनाए हैं बस इसी तरह छोड़ दीजिए और तीन चार घंटा आराम से छोड़ सकते हैं और अगर आपको जल्दी से कटिंग करनी है तो एक घंटे आपको फ्रीजर में रखना है और अच्छी तरह से ये देखिए आप चाहे तो बर्फी भी के सेप में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसे बना रही हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में तो आपको लेने धार वाली कटोरी

सकते हैं और ये देखिए बहुत सारी मैंने इस तरह की रेसिपी बना के तैयार कर ली है तो आई होप ये रेसिपी आपको काफी पसंद आई होगी आई है तो एक लाइक अभी कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाय-बाय रसगुल्ले की रेसिपी बनाते समय अगर आपको भी डर लगता है कि ये फट जाएंगे या फिर अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं तो आज के बाद सारे डर को आप खत्म करने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल ही कम लागत में आज मैं आपको साबुदाने से रसगुल्ले की रेसिपी बताने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना गलती किए हुए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले की ये रेसिपी बिल्कुल ही सही नाप के साथ और सही ट्रिक के साथ तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और इसका जो स्वाद है ना स्वाद में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है और बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल ही टेस्टी वाली आपकी साबुदाने की रसगुल्ले की रेसिपी तैयार हो जाएगी आप चाहे तो इसे व्रत में भी खा सकते हैं आप चाहे तो कभी भी दिवाली वगैरह कुछ भी त्यौहार आता है अगर कुछ मीठा भी खाने का मन हो तो आराम से इस रेसिपी को बनाया जा सकता है तो दाना कोई भी आपके पास हो उसे ले सकते हैं छोटा बड़ा कोई भी साइज ले सकते हैं और इसे क्या करना है आपको धोना नहीं है सबसे पहले इसको आपको सूखे कपड़े लेने हैं और इसके जितने भी धूल वगैरह है सभी को अच्छी तरह से आपको साफ कर देने पड़ेंगे और डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करने पड़ेंगे बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी बनाने के लिए तो ये देखिए एक कटोरी मैंने छोटे कटोरी का इस्तेमाल किया है साबुदाना बनाने के लिए आप आप जितना आपको बनाना है आप हिसाब से ले सकते हैं लेकिन कम ही रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो मैंने ये देखिए छोटी कटोरी साबुदाने लिया है और इसे क्या करना है है सबसे अच्छी तरह से आपको पीस लेना है। बिल्कुल ही बारीक हो सके तो अच्छी तरह से पीस लीजिए पानी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है और ये देखिए मैं दिखा रही हूं बिल्कुल ही बारीक हो चुकी है नहीं है तो आप एक बार अच्छी तरह से चाल के इस्तेमाल कर सकते हैं फिर लिया है मैंने एक कटोरी कटोरी को कैसे माप की तरह इसके चाशनी बनानी है अब मैं वो जानकारी देने वाली हूं तो मैंने छोटी कटोरी को दिखाया है ना तो उससे क्या करना आपको दस गुना कम से कम ज्यादा आपको लेने पड़ेंगे चीनी ये बड़े, मैंने बड़े का का इस्तेमाल है। से दस गुना आपको चीनी लेनी पड़ेगी ताकि और वही कटोरी का, का इस्तेमाल करके रसगुल्ले अच्छी तरह से डूब जाने चाहिए अगर ये प्रोसेस आपको समझ में नहीं आता कि चाशनी कितनी बनानी है तो रसगुल्ला पहले देख लीजिए जितना अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में लग रहा है तो उसके हिसाब से आप चाशनी को तय कर सकते हैं तो चाशनी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है फिर लिया है मोटी वाली कढ़ाई और थोड़ा सा मैंने पहले पानी डाल दिया है इसके बाद लेना है आपको एक गिलास दूध ये देखिए एक गिलास मैंने दूध लिया है अगर आप ज्यादा मात्रा में साबुदाना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़े से आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर आप कम मात्रा में बना रहे हैं तो थोड़े से घटा भी सकते हैं लेकिन अब आप, आपको दूध कितना इस्तेमाल करना है कैसे इस्तेमाल करना है अब वो भी मैं जानकारी देने वाली हूँ तो ये देखिए आपको लेने पड़ेंगे एक कटोरी फिर से वही कटोरी का इस्तेमाल करके समा के चावल जो त्यौहार वगैरह में खाई जाती है नहीं है आपके पास कोई बात नहीं है उसका भी मैं ऑप्शन बताने वाली हूँ तो इसके जगह आप ये देखिए जो अरवा चावल होते हैं ना उसे आप ले सकते हैं अच्छी तरह से इसे पकाया जा सकता है सबसे पहले इसे मिक्सर में थोड़ा सा आपको दर दरा कर लेना पड़ेगा ताकि जब रेसिपी बनाए तो कोई भी देर ना हो और जल्दी से बनकर तैयार हो जाए तो आपको एक कटोरी वही कटोरी से लेना है चावल और चावल को डाल देना है ये देखिए मैंने सभी को डाल दिया है जितने में ये अच्छी तरह से पक जाए अगर आपके पास समा के चावल नहीं है तो कोई बात नहीं है अरवा चावल जो खीर बनाते हैं ना बस वही चावल का इस्तेमाल कर लीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है तो ये देखिए सभी चीजों को मैंने मिला दिया है दोनों चीजों को और अच्छी तरह से आपको ढक्कन लगा देने हैं और अच्छी तरह से पका लेना है समा के चावल तो जल्दी पक जाएंगे और अगर इस तरह के चावल लेंगे और अगर नए वाले चावल हैं तो भी वो जल्दी पक जाते हैं तो तो चला -चला जरूरत नहीं है और छोटे -छोटे अगर आप अरवा तो पीस लीजिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है बहुत सारी मैंने इस तरह की रेसिपी डाल रखी है नाश्ते की मीठे की और सब्जी तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल में नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए बिल्कुल ही सही जनता के साथ परफेक्ट नाप के साथ मैं हर रेसिपी को बताने की कोशिश करती हूं और ये देखिए अगर ये रेसिपी भी आपको अच्छी तरह से बन जाए तो आप मुझे एक लाइक कर दीजिएगा तब तक और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को रख लीजिए और ये देखिए अच्छी तरह से सभी एक्स्ट्रा दूध थे वो अच्छी तरह से सूख चुके हैं उसके बाद क्या करना है? इसे कवर कर देना है और थोड़ी देर आपको इसी में छोड़ देना मोटी कढ़ाई है अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएंगे और अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप प्लेट में पहले निकाल लीजिए उसके बाद आपको मिलाना है साबुदाना के पाउडर ये देखिए साबुदाना के भी पाउडर मैंने मिला दिए हैं दूध वाले रसगुल्ले से बिल्कुल भी टेस्ट कम नहीं लगने वाले हैं इसके लिए आपको डालने पड़ेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर जी हाँ दोस्तों एक कटोरी मैंने मिल्क पाउडर डाला है थोड़ा सा मैंने डाल दिया है कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और जब इसे गूथेंगे ना तो बिल्कुल ही आसानी से आप इसे गूंथ पाएंगे हल्का ये डो है हल्का सा गर्म है मैंने इसी का इस्तेमाल किया है अगर आप ठंडे होने का इंतजार करेंगे तो थोड़े से लेट होंगे इसीलिए थोड़े से कोशिश करें कि हल्के से गुनगुने हो तभी इसे आप गूद पाए क्योंकि ये जब गुथेंगे ना तो बहुत ही आराम से गूद पाएंगे और ये देखिए अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है लगातार चला चला के अच्छी तरह से मसलना है जितने भी अच्छी तरह से ये जो गोटे बने हैं ना सभी को फोड़ देने हैं और अच्छी तरह से बिल्कुल ही आटे का लेवल का आपको इसे सेट कर लेना पड़ेगा फिर मैंने थोड़ा सा घी लिया है और अच्छी तरह से ये देखिए पानी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है यही बीच और अच्छी तरह से गूँद लेना है आधा कटोरी मिल्क पाउडर का मैंने और इस्तेमाल किया है और सभी को डाल दिया है डेढ़ कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है एक कटोरी साबुदाना लिए हैं एक कटोरी चमक चावल लिए हैं आप मात्रा हमेशा अच्छी तरह से याद रख लीजिए ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो और ये देखिए सभी चीजों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप चाहे तो चुटकी भर इसमें सोडा भी डाल सकते हैं ज्यादा फुलाने का मन हो तो आप चुटकी भर ज्यादा नहीं खाने का सोडा डालना है बेकिंग पाउडर नहीं डालना है बेकिंग सोडा डालना है और अच्छी तरह से आपको लगातार मसल मसल के इसे गूथ लेना है और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने गूथ लिया है डो हमारा परफेक्टली तैयार हो चुका है थोड़ा सा मैंने हाथों में तेल लगा लिया है या फिर अगर घी है तो घी लगाइएगा तेल से थोड़े से महक आ जाते हैं तो घी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है तो ये देखिए हल्का सा लगा लिया है और अच्छी तरह से आटे को मसल मसल के मैंने सेट कर लिया है फिर क्या करना है छोटा सा सर लेना है अगर आप साइज में बड़े वाले बनाने चाहते हैं तो बड़े वाले भी बना सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है ये देखिए मैंने थोड़े से छोटे डो का इस्तेमाल किया है जैसे नींबू के होते हैं ना गोली बस उससे तो आधा ही मैंने बनाया है अगर आप नींबू की गोली के बनाएंगे तो थोड़े से बड़े बड़े बनेंगे राजभोग टाइप के तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं छोटा बड़ा आपको जैसा भी बनाना है आराम से सेट कर सकते हैं हल्के से अगर क्रैक भी आ रही है देखिए हल्का सा थोड़ा सा क्रैक आ रहा है तो क्या करना है दूध लेना है थोड़ा सा हल्का सा हाथों में पानी लेना है और फिर से आपको वही काम करना है ये देखिए जैसे जैसे इसे भरेंगे ना आराम से भर जाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हल्के से क्रैक भी आ रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसे उबालेंगे तो एक भी नहीं फटने वाले यही एक खासियत होती है साबूदाना के रसगुल्ले में तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने गोले बना लिए है तो बस इसी तरह आपको सभी गोले को बना लेना है हल्का फुल्का अगर क्रैक है तो इसे भर दीजिए और फिर से हाथों में पानी और दूध लगा के इसे सेट कर लेना है ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे और कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा इतनी ये टेस्टी बनती है और ये देखिए सभी गोलों को मैंने बना लिया है इसी तरह जितने गोले बनते हैं हैं आप देख सकते हैं। एक कटोरी में बहुत ज्यादा ही गोले बन जाते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखना है और अच्छी तरह से लगातार आपको ये देखिए दो आदमी हो तो बहुत अच्छी बात है दोनों रहेंगे तो जल्दी बन जाएंगे अगर एक भी है तो आराम से इसे बना सकते हैं उसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी वाली ये रेसिपी बनती है वैसे मैंने हलवा की भी रेसिपी बनाई है अगर नहीं देखिए तो जाके देख सकते हैं और दिवाली स्पेशल मीठे की मैंने तीन से चार

बिल्कुल भी खराब ना हो अब मैं इस्तेमाल अब फेंकने वाली हूं और गर्म पानी एक्स्ट्रा रखने वाली हूं क्योंकि जो मैं चाशनी बनाई थी ना ये छोटे बर्तन में बनाई थी तो मैं इसे ट्रांसफर करने वाली हूँ बड़े बर्तन और थोड़ा सा मैंने पानी एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि मुझे लग रहे थे कि चाशनी थोड़े से कम हो जाएंगे तो मैंने अच्छी तरह से रसगुल्ले आपको डाल देना है और कोशिश करना बड़े बर्तन का अब एक बार और उबाल उबाले तो ये और भी अच्छी तरह से फूल के बड़े हो जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो ये मैंने देखिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया है और सभी को अच्छी तरह से डाल देना चाशनी अगर गर्म रहेगी तो ज़्यादा देर नहीं लगने वाले हैं और अगर चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है तो भी कोई बात नहीं होने वाली अभी मैं वो भी तरीका बताने वाली हूँ तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने सभी को डाल दिया है और फिर से आपको तीन से चार मिनट अच्छी तरह से इसे कवर करके आपको पका लेने पड़ेंगे बहुत ही टेस्टी वाली रसगुल्ला की ये रेसिपी बनती है और हाँ ये चाशनी बनाने का भी कोई झंझट नहीं है मोटा पतला कुछ भी नहीं है और ये देखिए अच्छी तरह से उबल है। एक भी क्रेक नहीं आए रसगुल्ले में आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी वाले हमारे ये से बने हैं। तो जब भी आप फ्रिज से निकालें ना तो थोड़ा सा इसे कर हल्का कर सा पानी डाल के गर्म कर लीजिएगा क्योंकि साबुदाने के बने थोड़े से सिकुड़ जाते हैं थोड़े से हार्ड हो जाते हैं निकलने के बाद और जैसे इसे गर्म करेंगे बिल्कुल ही स्पॉन्जी वाले हमारे खिले खिले अच्छी तरह से साबुदाने रसगुल्ले बन के तैयार हो जाएंगे तो ये देखिए मैं सभी को कर रही हूं ट्रांसफर तो कैसी लगी ये रेसिपी ये हमें आप जरूर बताए